वही का मन भूल गए। अरे भाई बताइए, विद्यार्थी स्कूल जाए और पढ़ाई ना करे तो बेकार हो जाएगा जीवन। जिसके लिए हमें मानव तन मिला, मानव तन, एक मानव तन जो है एकमात्र परमात्मा की प्राप्ति का लक्ष्य है। यदि मनुष्य बनकर भी हम भगवान का भजन नहीं किए तो फिर हमारा जीवन बेकार है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद भगवान से बड़ी प्रार्थना की होंगे हम आप सभी लोग, तब प्रभु ने, ठाकुर जी ने कृपा की और मनुष्य बना दिया। और इसके बाद भी यदि भगवान का एक बार भी भजन नहीं किए, भगवान का एक बार भी चिंतन नहीं किए, तब हमारा जीवन बेकार है। तभी तो आदि शंकराचार्य कहते हैं ना, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़। अरे मूढ़, अरे पागल, तुम्हारा जन्म हुआ है भगवान का भजन करने के लिए और तुम दुनिया का भजन कर रहे हो। पैसे गिनती में टाइम बर्बाद कर दिए, जितनी बार नोटों की गड्डी गिनते हो, गिनते रहते हो, मशीनें आ गई हैं आजकल, उतना माला से मेरा नाम ले लो। ये पैसे जो कागज की गड्डी गिनते हो, इससे कल्याण नहीं होगा। ये जरूरी है जीवन चलाने के लिए, जब तक शरीर है तब तक पैसे की बहुत जरूरत होती है। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। और जब यहाँ से जाएंगे तो क्या होगा, कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। तो क्या जाने वाला है साथ हमारे, हमारे किए गए कर्म, हमारा किया गया दान, हमारा किया गया पुण्य, हमारा किया गया धर्म, हमारी की गई पूजा, हमारा किया गया पाठ। ये वाला बैलेंस, पैसे का बैलेंस, बैंक बैलेंस या कितना भी कर ले, इससे कुछ यही नहीं होने वाला। पर राम नाम रूपी धन, राधा नाम रूपी धन, परमात्मा का नाम रूपी धन आप लीजिए तो क्या होगा, हमारा कल्याण हो जाएगा। इस जन्म में कमाया गया पैसा, ये मनुष्य तन जो मिला है, इसमें जितना भी हम पैसा कमाएंगे, जितनी प्रॉपर्टी बनाएंगे, जितना सोना चांदी लेंगे, हम गए और हमारा सारा धन समाप्त। हमारे जाते ही हमारा ये धन, इस जन्म का धन अगले जन्म में काम आने वाला नहीं है। जो पैसा अभी कमाए वो सिर्फ इसी जन्म में आएगा काम, लेकिन अगले जन्म में काम आने वाला नहीं है। पर यदि हमने सचमुच ईमानदारी से भगवान का नाम ले लिया, दान कर लिए, पुण्य कर लिए, भगवान का नाम ले लिए, भागवत की कथा सुन लिए, इसका जो पुण्य है ना, वो हमारे आने वाले हजारों जन्मों में हमारे साथ चलेगा, हजारों जन्मों में। और ये पुण्य है कि हमारे पूर्व जन्मों के प्रताप से हम आप सब भागवत की कथा सुन रहे हैं, क्योंकि भाग्योदयेन सत्संगमं चलवते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदान्धकारा ना संविधाय हि तनोदयते विवेका। जय जय श्री राधे। तो क्या करना है, प्रभु का नाम लेना है। मुक्ति का कोई दूजा Oh,
Yeah.
सुखदेव स्वामी की कथा कह रहे हैं। कौन? स्तुत जी महाराज। श्री राधा रानी गोलोक धाम में बैठकर भगवान कृष्ण का ध्यान करती हैं और मन में विचारा, या लोग खूब खाते हैं, खूब कमाते हैं, खूब अच्छे कपड़े पहनते हैं, मकान बनाते हैं, किंतु क्या करते हैं? भजन नहीं करते हैं। जिससे मुक्ति होना, जिससे कल्याण होना, वो काम बंद कर दिए, बाकी सब कर रहे हैं। सब कुछ करना चाहिए जीवन में, लेकिन भगवान को कभी ना भूलें। प्रभु का नाम ही हमारा कल्याण करने वाला है। शंकराचार्य कहते हैं, भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़वते, पुनरपि जननी जठरे सहनम। भज गोविंदम, भज गोविंदम, अरे मूर्ख, अरे मूढ़, बार बार जन्म लेता है, बार बार नरकों में जाता है, बार बार भगवान से प्रार्थना करता है, इसके बाद भी जैसे ही जन्म होता है तो माया के चक्कर में फंसकर माधव को, भगवान को भूल जाते हो। भगवान का नाम लो। गोलोक धाम में मैया राधा रानी क्या बोलती है? सुख पक्षी से बोलती है, आप जाइए दुखी लोक में और भागवत धर्म का प्रचार करिए। सुखदेव जी कहते हैं, मैया यदि मैं धरती पर जाऊंगा, मृत्यु लोक में जाऊंगा, तो मुझे भगवान की माया पकड़ लेगी। माया ऐसी विचित्र है, कोई बच नहीं पाया माया से। जैसे छाया हमारे साथ रहती है, हमारे शरीर की छाया, ऐसी प्रभु की माया कण कण में है। माया से विजयी तभी हो सकते हैं जब भगवान का नाम लें, भगवान का भजन करें, नहीं तो माया से कोई बचने वाला नहीं है। सुखाचार्य जी बोले, तोता बोले, पक्षी बोले, भैया मैं नहीं जाऊंगा, यदि मैं पृथ्वी लोक में गया तो मैं फंस जाऊंगा,